नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी दोस्तों RSM SSB की जो लंबित भर्तियां हैं यानी जिनकी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है उनके बारे में बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। दोस्तों जो लंबित भर्तियाँ हैं उनकी एग्जाम डेट, परीक्षा तिथि, किस माह में ये परीक्षाएँ करवाई जा सकती हैं, तो RSM SSB एग्जाम अपडेट। दोस्तों पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों जो अपडेट है वो आज ही का अपडेट है और आप देख सकते हैं dainikbhaskar.com से अपडेट मैंने लिया है और यहाँ देख सकते हैं जून में स्कूलों की छुट्टियाँ। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि हाफ जो मई आता है 15 मई के बाद तकरीबन 1 से 1.5 माह का यहाँ पर जो सरकारी स्कूल्स होती हैं उनमें यहाँ पर छुट्टियां पड़ जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियां। तो बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं अब जुलाई में होंगी, तो जून में यहां पर सेंटर मिलने में परेशानी हो रही है और इस कारण से ये भर्ती परीक्षाएं कुछ आचार संहिता के कारण इस समय यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रही हैं, तो इस वजह से बोर्ड को सेंटर्स नहीं मिल पाए और इस वजह से ये एग्ज़ाम अब आपकी जुलाई में होंगी। आज का ये अपडेट है दोस्तों, समय आप देख सकते हैं 8:15 का और ये जानकारी आज आप दैनिक भास्कर में भी देख सकते हैं, समाचार पत्र में भी ये जानकारी को देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लंबित भर्ती परीक्षाएं जुलाई में होने की संभावना है, बोर्ड इन परीक्षाओं को। तो दोस्तों ये दैनिक भास्कर की जानकारी थी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लंबित भर्ती परीक्षाएं अब जुलाई में होने की संभावना है। बोर्ड इन परीक्षाओं को आचार संहिता हटने के बाद मई के अंत या जून में कराने की सोच रहा था, इसके लिए उसने विभिन्न जिलों के जो जिला कलेक्टर को पत्र लिखा था। दोस्तों ये एग्ज़ाम का प्रोसेस ये होता है, एग्ज़ाम डेट निर्धारित करने से पहले बोर्ड या जो भी संस्था होती है सबसे पहले कलेक्टर्स को व्यवस्था के लिए पत्र लिखती है कि वो स्कूलों की व्यवस्था कराए या संसाधन उपलब्ध कराए ताकि एग्ज़ाम कराई जा सके। तो इसके लिए बोर्ड ने लिखा था, लेकिन जो कलेक्टर्स हैं उन्होंने चुनावी आचार संहिता को देखते हुए, चुनाव में अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए या फिर जो सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को देखते हुए उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया बोर्ड के विभिन्न पत्रों को, इसलिए जून में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। इसके लिए परीक्षाओं के आयोजन के लिए जो वीक्षक है, एग्जामिनर हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे थे, इसके लिए यहां पर इन परीक्षाओं को जून में कराने से इनकार कर दिया। और दोस्तों जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, इसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरियन एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी यहां पर अभ्यर्थी परेशान हैं। तो ये 3 से 4 बड़ी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, इसके अलावा जो वैज्ञानिक सहायक है जो 28 पदों के लिए निकली थी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक RSM बोर्ड की, तो 4 से 5 जो एग्ज़ाम्स हैं ये अब दोस्तों आपकी जुलाई में होने की संभावनाएं हैं। बोर्ड अध्यक्ष BL जाटावत का कहना है कि प्रयास है कि जुलाई में परीक्षा करा ली जाए। तो यहाँ पर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं BL जाटावत साहब, उनका कहना है कि जुलाई में एग्जाम करा ली जाए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का कहना है कि देरी से बेरोजगार मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान हो रहे हैं। तो उपेन्द्र जी का भी यहाँ कहना ठीक है कि जो अगर एग्ज़ाम डेट देर आती है, काफ़ी समय हो चुका है, इनके विज्ञापन को जारी किए जा चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और तब भी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही हैं, तो इसके कारण से जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होना स्वाभाविक है। तो इसलिए दोस्तों ये एग्ज़ाम अब जुलाई माह में बोर्ड कराने की सोच रहा है। तो जुलाई में सारी एग्ज़ाम्स तो नहीं, 1-2 एग्ज़ाम्स की डेट ज़रूर आ जाएगी क्योंकि जुलाई में RPSC की भी एग्ज़ाम्स हैं, इस वजह से ये परीक्षाएं अब जुलाई अगस्त माह में 100% होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप dainikbhaskar.com से देख रहे थे और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि RSM बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं या कोई भी जानकारी हो तो आपको उसकी न्यूज़ सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।